बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस फिल्म को लेकर के? आज तीन फिल्म का मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे? पहले जाऊंगा दर्शकों का हमारे पास, अभी तीनों अलग कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा लगता है कब तक ऐसी फिल्म में नहीं आएंगे। एक के डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार, ये दिल आशिकाना, बोलू माही खान, एक और लड़की है और रिया जी है। और दूसरी फिल्म है गदर, जो रमाकांत जी डायरेक्ट कर रहे हैं और उसमें पवन सिंह हैं, मोनिसा जी हैं, सुबीर शर्मा हैं, प्रिया शर्मा जी हैं और संजय पांडे जी हैं। और बाकी लास्ट वाला है फिल्म दिलवाले, जो विक्रांत जी और गुरू और मोनालिसा जी हैं, बाकी अभी स्टार्ट में फाइनल नहीं है। सर बात करें गदर और दिलवाले, ये बहुत अच्छा बिजनेस कर गई है हिंदी मूवी, तो कैसा कुछ रहेगा आपका ये भोजपुरी फिल्म, उससे मिलता जुलता है या कुछ अलग कुछ करना है? सर उससे तो काफ़ी कुछ अलग है, ध्यान में पूरा रखा गया है कि मतलब उससे अलग हो और दर्शक को जो चाहिए उसमें मिले। सर मूवी की शूटिंग कहाँ होगी? शूटिंग कहाँ पे होगी सर? सर लखनऊ में होगी, लखनऊ जगदीशपुर शुक्ल बाजार। सर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की फिल्म बंधु, तो कितनी उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, अगली सरकार से? अभी सर उम्मीदें हैं, अभी तक कुछ पॉजिटिव नहीं आया है। चार फिल्में मैं लखनऊ में शूट कर चुका हूँ, लेकिन अभी ना सब्सिडी में मुझे कुछ हेल्प मिला है, लेकिन कोशिश ये है कि शायद इस बार कुछ हो जाए। अखिलेश यादव जी मुंबई दौरे पे आए थे, उन्होंने फिल्म बंधु को बढ़ावा देने के लिए यह बात कही थी सब्सिडी की, तो कितना उसका आपको लाभ मिल पा रहा है अभी? अभी सर कुछ भी लाभ नहीं मिला है मुझे, अभी उम्मीद पे फिर जा रहे हैं, अब देखते हैं इस बार क्या होता है। अगला सवाल करो सर, कितने सॉन्ग है सर इसके अंदर? पहले वाले में 10 सॉन्ग है, नेक्स्ट में 9 है और नेक्स्ट में 9 है। तो सिंगर के बारे में, सिंगर कौन सर, कौन कौन है इसके अंदर? सिंगर आलोक जी हैं, पवन जी खुद ही हैं और फिलहाल कल्पना जी हैं, इंदु सोनाली जी हैं, अभी इतना ही नाम ध्यान में आ रहा है मुझे। सर स्टार कास्ट कौन है इसके अंदर? पहले वाले में बोलू हैं और रिया जी हैं, माही खान हैं, तीनों पहले बोलू सोलो है उसमें। सेकंड वाले गदर में पवन जी हैं और मोनालिसा जी हैं, सुबीर जी और प्रिया शर्मा जी हैं। और थर्ड वाले में विक्रांत जी हैं और बोलू जी हैं और मोनालिसा जी हैं, अभी कुछ बाकी आते हैं उसको। सर दर्शकों को क्या मैसेज देंगे सर इस मूवी के बारे में? कि अपने हिसाब से हम 100% कुछ अलग करना चाह रहे हैं, बाकी इसका अभी सही किया गलत किया है दर्शक ही उसका जवाब देंगे। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भी कुछ बोले इस फिल्म के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इससे कैसे आगे ले रहे हैं, कुछ तो कहिए इन तीन फिल्मों के बारे में। फिल्म बनने के बाद तो पब्लिक बताएगा क्या है, फिल्म तो अच्छा बनाते सब लोग, बाकी तो पब्लिक बताएगा। गदर से एकदम हट के ये, तो क्या कुछ गांव देश की सभ्यता कोई दिखा रहे हैं अपनी फिल्म में? एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ है कहानी, और सबसे अलग है सर। और हमारे फिल्म में आपको गंदगी नहीं मिलेगी, मिसाल है चार फिल्में हैं, नाम बोलता हूँ यूट्यूब पे देख लेना, जान तेरे लिए, विधायक जी, तीन बुड़बक, जब प्यार किसी से होता है। आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं, अपने मम्मी के साथ देख सकते हैं, बहनों के साथ देख सकते हैं, तो ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि फैमिली जुड़े हमारी फिल्मों से। जो आप, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बड़े बड़े मेकर हैं, मैं तो आज आया हूँ, तो कोशिश यही है कि मतलब अच्छे लोग देखें और बस फैमिली के साथ देखें, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम और अच्छा काम कर सकते हैं, बस यही बोल सकते हैं सर। और क्या बोलें? ओके थैंक यू, थैंक यू सर। नए साल का कुछ शुभकामनाएं सर दर्शकों दे दीजिए सर। मेरी तरफ से दर्शकों को नए साल के बहुत 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 शुभकामना, माता रानी सबका भला करो। ये ओपनिंग कर लेना पहले, कौन देगा अगले? जगह नहीं है, बैठने के पास आइए, इधर आइए सर, थोड़ा आगे आइए। तीन फिल्म का मूड है, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं अपने सारे भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मैं सुजीत कुमार सिंह, अभी यहाँ पे जिस फिल्म का मूड हुआ है, फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना, इसका डायरेक्टर मैं हूँ। दूसरी फिल्म हुई गदर, एक प्रेम कथा, जिसका डायरेक्टर है श्री रमाकांत प्रसाद जी। तीसरी फिल्म दिलवाले, जिसके डायरेक्टर है श्री भूपेंद्र विजय सिंह। और तीनों भोजपुरी फिल्में जो जिस
इंदिरा फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले और राजपूत फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले तीनों फिल्में बन रही है। आपकी फिल्म की बात करें शॉर्ट करते हैं तो आपकी फिल्म जो है किस क्या टाइटल है किस तरह की है? देखिए हमारी एक फिल्म है टाइटल है ये दिल आशिक अनल हमारी फिल्म है ये दिल आशिक अनल टाइटल है और एकदम भरपूर रोमांटिक एक्शन लव स्टोरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दर्शकों को इसमें सब कुछ मिले जिससे जिस उम्मीद को लेकर दर्शक थिएटर में जाते हैं। कास्ट की बात करें कौन कौन कैमरा इसमें कास्ट है ऋषभ कश्यप वो जो पहले चाइल्ड आर्टिस्ट में काम करते थे इसमें मेन लीड में काम कर रहे हैं उनका अपोजिट है प्रीति ध्यानी माही खान विलन है उमेश सिंह लता तिवारी रामा वर्मा ये हमारे लोग कास्ट। आखिरी सवाल म्यूजिक की बात करें किसने म्यूजिक दिया है? साइलेंस। इस फिल्म के म्यूजिक दिया है राजेश रजनीश जी ने। म्यूजिक तक सर बहुत ही लाजवाब बना है बाकी इसका जवाब दर्शक देंगे। ओके थैंक यू। क्या कमाल करते हो पांडे जी कमाल कर रहे हैं बैठिए मैम आप रोल में। हाँ आपका नाम? माय नेम इज माइका। ये बात करें आज फिल्म का मोहरे था कौन सी फिल्म है जिसमें आप एक्ट कर रहे हैं? जी ये दिल आशिक अनल। किस तरह किरदार है आपका? इसमें रोल मेरा बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रोल को करने के लिए। जब ये फिल्म बन जाएगी तो आप लोग भी देख लीजिएगा। आपके साथ में और कौन है लीड में अगर बात करें? गोलू जी हैं और स्टार कास्ट में रिया शर्मा जी हैं और माही सिंह। एक लाइन में स्टोरी की अगर बात करें क्या है आपको स्टोरी बताई होगी? नहीं एक्चुअली मैं इस स्टोरी को बता नहीं सकती। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जब ये बन जाएगी तो आप खुद ही देख लीजिए। इससे पहले कितने आप फिल्में दे चुके हैं? मैं ये इससे पहले काम कर चुके हैं आप फिल्मों में? यस यस। क्या क्या काम किया? मैंने अभी बलमा बिहार वाला जो किया है उसमें बहुत ही अच्छा रोल है मेरा, सेकंड लीड किया मैंने उसमें। और रानी दिलवर जानी उसमें भी मैंने सेकंड लीड किया है। मतलब किस टाइप की मूवीज है? रोमांटिक लव स्टोरी लव स्टोरी है ये दिल आशिक अनल इसके संगीत कंट्री संगीत बन पड़े और इस नए लड़के को लॉन्च संजय सिंह राजपूत कोशिश है कि अच्छी जरूरी बने गाने अच्छे बनाए कोशिश है। किस संगीत देना किस टाइप का संगीत देना संगीत मधुर संगीत रोमांटिक है ज़्यादातर रोमांटिक जैसे कि गाने हैं इसमें चल लो दुनिया ओढ़ के लागे लूट जोड़ के चेहरा को हर फुलन फुलन जैसे चिड़िया बोड़ के लहर न करी खरी खुलल किसिया दिल बेकरार करे तोहार अखिया पहले नजर में मतलब सारे इसी लगभग ये गाने हैं रोमांटिक बेस्ड गाने। कितने गाने हैं? गाने 10 होंगे और जैसा कि ये दिल आशिकाना टाइटल से ही दर्शित हो रहा है कि ये फिल्म टोटली रोमांटिक फिल्म कहानी आपको लोगों ने देख क्या होगा पूरी तरीके से लव एक्शन ड्रामा है। इसके अलावा आपकी क्या क्या बोलते हैं जी? इसके अलावा क्या क्या बोलते हैं आपको? इसके अलावा एक दर्द कर रहा है सदर एक्शन बेस्ड कहानी। संजय सिंह राजपूत के जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
सिंह राजपूत जी के बारे में क्या कहें, उन्होंने हमें मौका दिया है कुछ कर दिखाने का। हमारी कोशिश यही होगी कि अच्छा काम करें, उनके बैनर तले अच्छा काम हो, कोशिश हमारी ये रही बाकी भगवती और दर्शक हमारे दर्शक की काफ़ी। तो मैं थैंक यू सर, टर्न करके क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आज बहुत ही स्पेशल डे है, कल से पौष महीना भी स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक कल या परसों से, तो इसके लिए आज दोनों अच्छी चीज़ों का मुहूर्त हो गया। एक तो मैं संजय सिंह जी जो है ये ऑफिस इतना अच्छा ऑफिस का ओपनिंग कर लिए, साथ में 3 फिल्म्स का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो अब 3 फिल्म्स में से 2 फिल्में मैं हूँ, एक गदर और एक दिलवाली। गदर में मैं पवन सिंह जी के साथ, रमाकांत प्रसाद जी हैं, रमाकांत प्रसाद जी डायरेक्टर आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस है और बहुत दे चुके हैं, मेरे साथ बहुत फिल्म दिए हैं। लास्ट हमारी फिल्म थी जिद्दी आशिक, तो उम्मीद है गदर जिद्दी आशिक और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के एकदम गर्दा हो जाए। सेकंड फिल्म दिलवाले, सुपर टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल, विक्रांत सिंह जी के साथ हूँ और भूपिंदर सिंह जी उसमें डायरेक्टर है। टाइटल के अनुसार इतना एक्साइटेड हूँ, एक तो 18 को फिल्म भी रिलीज हो रही है, इतनी बड़ी हिंदी फिल्म और साथ में भोजपुरी हमारी ये फिल्म की अनाउंसमेंट हुई। हाँ, हालांकि स्टोरी एकदम डिफरेंट है, हमको तो मालूम भी नहीं हिंदी में क्या है, बट भोजपुरी का जो स्टोरी है बहुत अच्छा लव स्टोरी है विद फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर सब कुछ मिला के, बहुत अच्छी कहानी है, दोनों फिल्म्स की बहुत डिफरेंट कहानी है, बहुत एक्साइटेड हूँ। दोनों फिल्मों की अगर बात करें जो नाम की बात है, गदर और ये दिलवाले काफी अच्छा बिजनेस किया बॉलीवुड में, तो क्या इसमें भी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे? एकदम, गदर और दिलवाले ये दोनों टाइटल्स सुन के ही मतलब सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, ये फिल्म धमाका करने वाली है एंड मेरे हिसाब से ये जरूर करेगी, क्योंकि जनवरी में फर्स्ट फिल्म मेरी यही रहेगी गदर जो स्टार्ट हो रही है, और पवन सिंह जी के साथ तो आप लोगों को पता ही है काफ़ी अच्छा रहता है जो भी फिल्म हमारे रिलीज होती है, एकदम अलग हटके पवन सिंह जी। और कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? बस सब कुछ कह चुकी हूँ, अभी जल्दी से शूटिंग पे जाने का इंतजार है, आज इतना शुभ मुहूर्त में मुहूर्त करके फटाफट शूटिंग एंड रिलीज। आने वाले वो प्रोजेक्ट क्या क्या इसके अलावा आपके अभी? हर साल की तरह मेरा आने वाली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी कौन सा पहले रिलीज करेंगे वो डिपेंड हो रहा है, सरकार आज कंप्लीट किया, फिर अभी हिटलर करके एक फिल्म कंप्लीट किया, फिर लगातार अभी ये 2 फिल्म, फिर दुनिया पे गोली मारे, घर वाली बाहर वाली, ये सब ऑल प्रोजेक्ट्स लाइन अप है। जान जाते हैं अभी नया साल आने वाला है, क्रिसमस नाम के साथ शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ मोनालिसा। 2015 साल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खास रहा हम मेरे लिए और साथ में आप लोगों के लिए भी। नया साल आने वाला है, ढेर सारी शुभकामनाएं है आप लोगों के लिए, क्रिसमस भी आ रही है, तो खूब एंजॉय करिए, मस्ती करिए और नया साल एकदम भरपूर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। हैप्पी न्यू ईयर। जी, मैं ऋषभ कश्यप और लोग वैसे मुझे गोलू के नाम से जानते हैं। मेरी पहली मूवी आई थी निरहुआ रिक्शा वाला, तो उसमें वो कैरेक्टर था गोलू, उस मूवी से वो कैरेक्टर का फेमस हो गया था गोलू, तो लोग मोस्टली वो इसी नाम से। आज की अगर बात करें, आज की मुहूर्त है, आपके किरदार को लेकर किस तरह का किरदार है आपका, क्या है? ये किरदार
मुझे लगता है अभी तक जितनी मूवी आई है मेरी उसमें उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। थोड़ा सा मासी कैरेक्टर है, थोड़ा रफ है और थोड़ा शैतान भी है और एक एक जगह जाके काफ़ी इमोशनल भी है, तो एक तरह से अच्छा है, चैलेंजिंग है मेरे। और आपके साथ में और कौन कौन है? मेरे साथ में है इस मूवी में मलिक खान जी, प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा जी हैं इसमें, और कौन है? प्रीति ध्यानी जी हैं, उमेश सिंह जी हैं और भी काफी लोग हैं। क्या उम्मीदें इस फिल्म से आपको? उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा, इस मूवी के गाने बहुत अच्छे बने हैं, स्क्रिप्ट में काफ़ी टाइम से मेहनत चल रहा है और हमने कैरेक्टर को भी काफ़ी ध्यान रखते हुए काफ़ी मेहनत किया कैरेक्टर को, काफ़ी टाइम से मेहनत चल रहा है, आई थिंक अच्छा होना चाहिए। इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे सारे गाने आप जितने इसमें बने हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है। इस मूवी में एक गाना है जो कल्पना जी ने गाया है, क्या गाना है वो? रुक रुक, वो काफ़ी 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 मेरे दिल के करीब होगा। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? जिस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पापा ही हैं, राजेश झा, और वो पहले से का उन लोग करते आ रहे हैं, राजेश रजनीश, ये उनका सोलो उसका पहला शायद से। इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे सुजीत कुमार जी, उन्होंने मैंने उनके साथ काफ़ी मूवी की है, आई थिंक 6-7 मूवी कर दी है, तो ये उनके साथ मेरी 8वीं मूवी आई है और काफ़ी अच्छा करते हैं वो, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और ये जो बैनर है इंदिरा फिल्म इंटरनेशनल विद राजपूत फिल्म फैक्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये संजय सिंह जी बहुत ही कूल इंसान है, बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान है, मैं दिल से उनको रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत ही क्या कहूँ मैं, डाउन टू अर्थ है, मतलब वो एक प्रोड्यूसर होकर ऐसा कभी महसूस नहीं होने देते कि वो प्रोड्यूसर है, ऐसा लगता है मेरे अपने अंकल हैं या मेरे बड़े पापा के जैसे मुझे। थैंक यू। बैठे रहना वीडियो बना से पहले क्या था इंदिरा? बहुत 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 पंगा चालू कर लीजिए, पंगा चालू कर लीजिए। बताइए सर, किस टाइप की मूवी सर? मूवी हमें बहुत ज़्यादा मूवी का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन संजय जी और राजेश उनके जो पार्टनर हैं ये इतनी अच्छी फिल्में ये लोग बनाते हैं, इनकी पहले भी इनके फिल्मों से मैं जुड़ा रहा हूँ एज इनके दोस्त, एज मार्केटिंग मैं जुड़ा हूँ, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। अभी सुनने में आया है कि ये 3 फिल्में बना रहे हैं, एक दिलवाले बना रहे हैं, गदर बना रहे हैं पवन सिंह को लेके, एक वो गोलू है ऋषभ, बहुत टैलेंटेड लड़का है, उसके साथ हमारी एक कंपनी की फिल्म अभी रिलीज हुई है दीवाना 2, जो कि ऑल इंडिया बहुत अच्छा बिजनेस कर गई है। तो ये 3 फिल्म संजय सिंह राजपूत जिनका राजपूत फिल्म इंटरनेशनल और इंदिरा फिल्म इंटरनेशनल के नाम से कंपनी है वो बना रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, मेरी कंपनी आदि शक्ति एंटरटेनमेंट की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस हिसाब से ये सिनेमा के लिए, और नए नए बच्चों को मैंने इस बार नाम देखा कि काफ़ी नए नए बच्चे ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब तक ऐसी कंपनियाँ नए नए बच्चों को, नए नए आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस नहीं करेगी, उनको बैकअप नहीं देगी, तो कैसे नए टैलेंट इस इंडस्ट्री में आएंगे? तो मैं बधाई देता हूँ मेरी तरफ से इनको कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरीके से अच्छा सिनेमा बनाते रहे, फिल्म इंडस्ट्री का भला होता है। सर, इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ होगी सर? शूटिंग मैं सुन रहा हूँ कि अधिकतर इतने गांव में करेंगे, लखनऊ के आसपास इनका जो गांव है वहाँ पे करेंगे, उनकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है, इनका अपना लोकेशन है, अपने होटल्स हैं, अपने सारा कुछ है, तो संपन्न लोग हैं वहाँ करेंगे ऐसा, जो अभी मैं अंदर बात कर रहा था इनसे जो मुझे पता लगा, शूटिंग वहाँ करेंगे और इनका म्यूजिक वगैरह पर काम चल रहा है, आर्टिस्टों के साथ उनका काम चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्या बोलूँ, सही ढंग से काम करें। सर, सिंगर में कौन होगा सर इसके अंदर और डायरेक्टर में कौन होंगे? देखिए डायरेक्टर जी है इसमें, एक तो रमाकांत प्रसाद वो डायरेक्टर हैं, एक इनके एक दोस्त डायरेक्शन दे रहे हैं, एक सुरजीत जो अभी हमारी भी काफ़ी फिल्में उसने की है, ये 3 डायरेक्टर 3 अलग अलग फिल्में कर रहे हैं। अभी ये जो गोलू के साथ फिल्म कर रहे हैं ये तो सुरजीत जी कर रहे हैं, और गदर जो टाइटल है पवन सिंह के साथ वो रमाकांत प्रसाद जी कर रहे हैं, और एक फिल्म के इनके दोस्त हैं दिल वाले जिसका अभी कास्टिंग नहीं हुई है, उसका डायरेक्शन वो खुद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये जो दिल अच्छी खाना मूवी है इसमें हमारे कलाकार हैं बोलू कि काफ़ी फेमस है, मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट भी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं और अभी एज अ हीरो आई है मार्केट में एंड पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक या ही विल ब्लास्ट, बहुत अच्छा लगेगा वो और एक अच्छा रिलेशन है उसके साथ, बिकॉज पहले भी मेरे साथ काम कर चुके हैं, मॉडल मूवी साथ में कर चुके हैं और इसमें स्टार कास्ट में है हमारी मानी खान जी जो अभी बलमा बिहार वाला जो अच्छा लीड रोल किया है उसमें और बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग है उनके साथ का, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। थर्ड हमारे इसमें और भी बहुत सारे मार्केट के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस यूनिट में हैं और सबके साथ अच्छा ट्यूनिंग और अच्छा ट्यूनिंग ही रहेगा। थैंक यू। दिल वाले के बारे में से एक लुक सामने रह गए आपसे आज की अगर बात करें मूवी का मुहूर्त है और ऑफिस का भी है तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अपना नए साल के लिए और सब लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और सेकेंडली सबसे पहले तो मैं आज हम लोग यहाँ पे मूवी में आए हैं और संजय जी की ऑफिस की ओपनिंग के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। देन हमारी तीन फिल्मों का जो मुहूर्त है यहाँ पे उसके लिए पूरी यूनिट को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छी फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो उनको भेज दें और आपके किरदार को लेकर बात करें। एक मूवी है जो हमारी ऑन फ्लोर जा रही है गदर, जिसमें पवन जी हैं, पवन सिंह जी, उसमें जो मेरा रोल है एक बहुत ही इनोसेंट लड़की का रोल है और मतलब वो ऑल ओवर मूवी में हुआ है बट नॉर्मली वो और भी दो हमारी मूवीज़ के हीरोइंस हैं जो इसमें कर रहे हैं, मोनल जी हैं, शुभी जी हैं और उसमें जो मेरा भी है बहुत अच्छा अपने आप में बहुत ही अच्छा है। सेकेंड एक मूवी है ये दिल आशिकाना, जिसमें मतलब एक मेरा बहुत ही एटीट्यूड वाली लड़की का रोल है, एटीट्यूड नेचर है मेरा और एटीट्यूड इन सेंस की इस टाइम का एटीट्यूड किसी को वो समझते नहीं अपने सामने लाइक ये कौन ये कौन ये कौन है, वो भी एक अपने आप में बहुत दमदार है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा रोल है। इससे पहले कितनी फिल्में देखी हैं आपने? देखिए हिट की बात करेंगे तो आपको हिट मूवीज दे चुकी हूँ, मेरी नज़र में मेरी हर मूवी हिट होती है बट फिर भी उसमें एक बारूद है जो रमाकांत जी के डायरेक्शन में डायरेक्ट हुई थी, एक हमारी यही प्रोडक्शन हाउस की इंद्रा फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस की एक मूवी हमारी रिलीज हुई है विधायक जी, जो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उस मूवी का, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और हमारे उस फिल्म के डायरेक्टर थे शबी तिवारी जी और मतलब बहुत ही मतलब एक अपनापन इस यूनिट के साथ और मतलब ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं जो मूवी कर रही थी ऑब्वियसली वो मूवी थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट होती ही है। पवन सिंह के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? पवन जी के साथ मैंने बहुत पहली मूवी की थी पवन पुरवैया, जिसमें पवन जी का डबल रोल था और उसमें एक शहर की हीरोइन थी बाकी जी और एक गाँव की हीरोइन थी वो मैं थी, तो मतलब गांव की हीरोइन का मेरा रोल था तो उनके साथ काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनली भी काफ़ी अच्छा बातचीत है उनसे और मतलब बहुत ही डिसेंट इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं और मतलब एक रिस्पेक्ट है उनके लिए मेरे दिल के। थैंक यू। ये पूछ लीजिए ना ये दिल आ जाना, ये दिल आ जाना बोला नहीं उसका प्रोड्यूसर इंदिरा फिल्म उसके डायरेक्टर सुजीत कुमार, ये दिल आ जाना आशियाना है क्या आशिकाना बराबर बोली जब काम भाई साहब।